Welcome back to another video, guys. And as usual, we're gonna read English newspaper and I will translate it into Hindi. So without doing delay, let's get started. So here we have a headline: largest Hindu temple to be inaugurated in New Jersey on October 8. देखिए largest का मतलब कि सबसे बड़ा जो हिंदू टेम्पल है, मतलब कि जो हिंदू मंदिर है, to be inaugurated, तो इसको inaugurate किया जाएगा. किसको? हिंदू टेम्पल को inaugurate किया जाएगा. कब? देखिए inaugurate का मतलब कि उद्घाटन करना, शुभारंभ करना. तो कहाँ पे inaugurate किया जाएगा? In New Jersey. तो New Jersey में क्या किया जाएगा? Inaugurate किया जाएगा जो largest हिंदू टेम्पल है उसको. देखिए कब inaugurate किया जाएगा? On अक्टूबर 8. तो 8 अक्टूबर को क्या किया जाएगा? इनॉग्रेट किया जाएगा, मतलब कि इसका उद्घाटन किया जाएगा या शुभारंभ किया जाएगा. ये हो गया गाइस इसका हेडलाइन. अब इसको अच्छे से समझने के लिए वी हैव टू गो टू द मेन न्यूज़. The world's largest Hindu temple constructed outside India in the modern era is all set to be inaugurated in New Jersey on October 8. देखिए the world's में कि विश्व का largest में कि सबसे बड़ा जो हिंदू टेम्पल है, हिंदू मंदिर है, constructed, जिसको construct किया गया है, जिसका निर्माण किया गया है outside India, तो इंडिया के outside, इंडिया के बाहर, in the modern era, तो modern era में, modern का मतलब कि आधुनिक, era का मतलब कि सदी या युग. तो ये जो मंदिर है is all set, ये क्या है? पूरा सेट है, मतलब कि पूरा रेडी है टू बी इनॉग्रेटेड. तो इनॉग्रेट किए जाने के लिए, इनॉग्रेट का मतलब उद्घाटन, तो उद्घाटन किए जाने के लिए कहां पे? इन न्यू जर्सी में. कब? ऑन अक्टूबर 8. तो अक्टूबर 8 मतलब 8 अक्टूबर को, है ना. तो विश्व का लार्जेस्ट जो हिंदू टेंपल है, जो लाइक हिंदू मंदिर है, जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया है आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर आधुनिक युग में, ये जो मंदिर है इज ऑल सेट, ये पूरा सेट है टू बी इनॉग्रेटेड, मतलब इसको इनॉग्रेट करने के लिए कहां पे? इन न्यू जर्सी. कब? अक्टूबर 8 को. About 60 miles 90 kilometers south of Times Square, New York, or about 180 miles 289 kilometers north of Washington, D.C., the BAPS Swami Narayan Akshardham in the Little Robbinsville Township of New Jersey has been built by an army of more than 12,500 volunteers from across the U.S. in over 12 years from 2011 to 2023. Itna samajhte hain. About ka sense hota hai, तो लगभग क्या? 60 माइल को किलोमीटर में, यहां पे 90 किलोमीटर बताया जा रहा है, साउथ ऑफ टाइम्स स्क्वायर. अब देखिए ये जो है, ये क्या है? डिस्टेंस है, टेंपल से लेकर टाइम्स स्क्वायर तक की दूरी को बताया जा रहा है. टाइम्स स्क्वायर कोई खास जगह होगा न्यूयॉर्क में, तो न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के दक्षिण में लगभग 60 माइल की 90 किलोमीटर की दूरी पर, और या तो लगभग 180 मील में की 289 किलोमीटर वॉशिंगटन डीसी के नॉर्थ में ये जो टेंपल है, मतलब अब देखिए टेंपल का नाम बताया जा रहा है, द BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम. ये कहां पे है? इन द लिटिल, तो छोटे से लिटिल, मतलब जो रॉबिन्सविल जो टाउनशिप है, टाउनशिप का मतलब नगर या बस्ती, कहां का? न्यू जर्सी का. तो ये जो टेंपल है, मतलब जो ये जो स्वामी नारायण अक्षरधाम जो टेंपल है, हैज बीन बिल्ड, इसको बनाया गया है. ये क्या है? पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट का. इसको बनाया गया है बाय एन आर्मी. अब देखिए आर्मी का मतलब फौज ही नहीं होता गाइस, लोगों के दल को भी आर्मी बोला जाता है. तो बाय एन आर्मी ऑफ मोर देन 12,500 volunteers. देखिए volunteer काम लगे ऐसे लोग जो खुद से सहायता करते हो किसी चीज में, है ना, मतलब कि स्वयं सेवक. तो 12,500 से भी ज्यादा volunteers के आर्मी के द्वारा इसको बनाया गया है. अब ये volunteers कहां से है? From across the US. तो पूरे US से ये volunteers हैं, तो इनके द्वारा बनाया गया है in over 12 years. देखिए अब देखिए कितने अवधि के दौरान इसको बनाया गया है, उसको भी बताया जाए, तो over 12 years, तो 12 साल के अवधि के दौरान इसको बनाया गया है. अब देखिए अवधि को बताया जा रहा है from 2011 to 2023, 2011 से लेकर 2023 के अवधि में इसको क्या किया गया है? बनाया गया है 12,500 से भी ज्यादा वॉलंटियर्स के द्वारा. Being currently visited by thousands of Hindus and people of other faiths every day from across the country ahead of its formal inauguration. देखिए being यहाँ पे passive voice का sense दे रहा है. तो being currently में कि हाल में visited, इसको visit किया जा रहा है by thousands of Hindus, तो हजारों Hindus के द्वारा, and people और लोगों के द्वारा. अब लोग कहाँ के? Of other faith, तो अन्य आस्थाओं या धर्मों के लोगों के द्वारा इसको visit किया जा रहा है
एवरी डे, मतलब हर दिन। अब ये लोग कहाँ से हैं? फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, तो उस कंट्री के जगह जगहों से, मतलब हर जगह से, लाइक यू नो उस कंट्री के हर जगह से जो लाइक हजारों हिंदूज हैं और जो लोग हैं अदर फेथ्स के, उनके द्वारा इस टेम्पल को क्या किया जा रहा है, विजिट किया जा रहा है अहेड ऑफ कम लाइक किसी चीज के पहले। तो इट्स मतलब इसके जो फॉर्मल के औपचारिक रूप से जो इनॉग्रेशन होने वाला है, मतलब जो उद्घाटन होने वाला है, इसके पहले जो हजारों हिंदूज हैं और जो लोग हैं अन्य धर्मों के, उनके द्वारा इसको विजिट किया जा रहा है। द टेम्पल, ये जो मंदिर है पॉपुलर, जो कि पॉपुलर है, प्रसिद्ध है एस कम्स के रूप में, तो किसके रूप में प्रसिद्ध है? अक्षरधाम के रूप में। तो ये मेजर करता है, अब देखिए इसका मेजरमेंट बताया जा रहा है 255 फीट x 345 फीट x 191 फीट, ये क्या है उसका मेजरमेंट है। एंड स्पेंस, और ये स्पैन कर रहा है, मतलब ये फैला हुआ है ओवर 183 acres में, ये क्या किया हुआ है, फैला हुआ है, स्पैन किया हुआ है। इट हैज बीन डिजाइन, अब देखिए इसको डिजाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू का सेंस के अनुसार, तो एनिशियंट, मतलब देखिए एनिशियंट का मतलब प्राचीन, जो हिंदू एनिशियंट हिंदू स्क्रिप्चर, तो जो प्राचीन हिंदू स्क्रिप्चर्स है, स्क्रिप्चर का मतलब धर्म ग्रंथ, उसके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया गया है। एंड इंक्लूड्स, और ये इंक्लूड करता है, इसमें शामिल है क्या, डिजाइन एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब तत्व, तो डिजाइन एलिमेंट शामिल है कहां से, फ्रॉम एनिशियंट इंडियन कल्चर से, मतलब प्राचीन जो इंडियन कल्चर है वहां से डिजाइन एलिमेंट शामिल है, जिसमें इंक्लूड है, मतलब शामिल है 10,000 स्टैच्यू, तो 10,000 स्टैच्यू मतलब मूर्तियां शामिल है। एंड स्टैचुएट, स्टैचुएट का भी मतलब होता है कि मूर्ति, लेकिन छोटी मूर्ति को क्या बोलते हैं, स्टैचुएट बोलते हैं। और इसमें क्या शामिल है, कार्विंग ऑफ इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो कार्विंग है, कार्विंग का मतलब नक्काशी या कलाकृति, कहां का, इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। एंड डांस फॉर्म, की जो डांस फॉर्म है उसका नक्काशी है, मतलब कलाकृति है, मतलब कि उसमें लाइक इस टेंपल में शामिल है। द टेंपल इज पॉसिबली द सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर अंगकोर वॉट इन कंबोडिया। देखिए द टेम्पल, ये जो टेम्पल है इस पॉसिबली, ये संभवता क्या है, द सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब ये दूसरा सबसे बड़ा क्या है, टेम्पल है आफ्टर का, मतलब बात, तो किसके बाद, अंगकोर वॉट, ये कोई टेम्पल है कंबोडिया में, तो इसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा, संभवता सबसे बड़ा क्या है, टेम्पल है। The 12th century Angkor Wat Temple Complex, the largest Hindu temple in the world, is spread over 500 acres. देखिए ये जो 12वीं सदी का जो Angkor Wat Temple Complex है, ये क्या है, the largest, मतलब सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, कहाँ पे, in the world, तो विश्व में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है। और ये जो Wat Temple Complex है, इस spread, ये फैला हुआ है, spread है over 500 acres, तो 500 acres में क्या हुआ है, ये फैला हुआ है। And is, और ये जो है now, ये अब क्या है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। द अक्षरधाम टेम्पल इन न्यू दिल्ली, विच वॉज ओपन फॉर द पब्लिक इन नवंबर 2005, स्प्रेड ओवर 100 acres। देखिए जो अक्षरधाम टेम्पल है, जो कि कहाँ पे है, इन न्यू दिल्ली, विच वॉज ओपन, जिसको ओपन किया गया था फॉर द पब्लिक, मतलब लोगों के लिए, कब, इन नवंबर 2005 में। तो ये जो टेम्पल है स्प्रेड, ये फैला हुआ है ओवर 100 acres, तो 100 acres में फैला हुआ है। आर स्पिरिचुअल लीडर, देखिए हमारे जो स्पिरिचुअल, जो आध्यात्मिक जो लीडर है कौन, प्रमुख स्वामी महाराज, हैड अ विजन, इनका एक विजन था, मतलब एक कल्पना था, एक यू नो दृष्टि थी, दैट कि इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, मतलब जो पश्चिमी गोलार्ध है, देयर, मतलब यहाँ पे शुड बी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अ प्लेस, एक जगह होना, मतलब एक प्लेस होना चाहिए, विच कैन बी, जो कि हो सकता है, अ प्लेस, मतलब एक जगह फॉर ऑल पीपल, मतलब सभी लोगों के लिए, ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो वर्ल्ड के सभी लोगों के लिए क्या हो सकता है, एक प्लेस हो सकता है। तो हमारे जो यू नो जो स्पिरिचुअल लीडर है, प्रमुख स्वामी महाराज, इनका एक विजन था कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में देयर शुड बी अ प्लेस, कि एक जगह होना चाहिए, और ये जगह ऐसा होना चाहिए जो सभी के लिए हो, विश्व के, नॉट ओनली फॉर हिंदूज, तो ना सिर्फ हिंदूज के लिए, बल्कि सभी लोगों के लिए होना चाहिए। अक्षर वत्सल दास स्वामी फ्रॉम BAPS स्वामी नारायण संस्था टोल्ड PTI। तो ऐसा किसने बोला, जो अक्षर वत्सल दास स्वामी है, कहां से, फ्रॉम BAPS स्वामी नारायण संस्था से, तो इन्होंने क्या किया, टोल्ड बताया किसको, PTI को, इन एन इंटरव्यू, तो एक इंटरव्यू में। सो दिस इज द न्यूज गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड, अगर आपको समझ आया हो देन डू थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल विच इज चंदन खरे, आई विल बी मेकिंग सच काइंड ऑफ कॉन्टेंट इन फ्यूचर, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।